33 किलोमीटर और बचा हुआ चक्राता पहुंचने में अभी, और पत्थर वाले रास्ते स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। इस स्कूटी में मेघा और ऋतु जा रहे हैं और आगे वाले स्कूटी में बिट्टू और अतुल जा रहे हैं। तो टोटल हम 6 लोग हैं और मैं अपने बाइक पे, मम्मी और मैं जा रहा हूँ। और व्यू यहाँ का बहुत ही कमाल है, कमाल। कहीं कहीं रोड पे पत्थर गिरे हुए हैं तो हम संभल के चला रहे हैं। जब मैं पहले आया था 2017 में आया था पहले, तो उस टाइम ये सब रोड बन ही रहा था और आते वक्त उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और ये हम पहुंच गए चापुन, तो थोड़ा देर यहाँ पे रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। तो 25 किलोमीटर और रह गया है चक्राता, बस टाइम से पहुँच जाए और आते वक्त अंधेरा ना हो, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ पे चलाना बहुत रिस्क हो जाता है। और पिछले बार का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब था इस जगह का, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि शाम होने से पहले, अंधेरे होने से पहले पहाड़ से नीचे उतर जाए। प्लेन वाले रास्ते पे तो अंधेरे में चला ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। और मौसम ठीक है, हल्के हल्के धूप हो गई है, लेकिन ठीक है। 1 घंटे और लगेंगे मुझे लग रहा है पहुंचने में। टाइगर फॉल है? टाइगर फॉल झरना जो है बहुत बड़ा वाला, तो क्या है? चक्राता का है। हाँ। कहाँ पे? इधर किधर? चक्राता इधर को है। उधर को है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। झरना 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 वाटरफॉल ना पता होगा इनको, ठीक है, धन्यवाद। तो मैप का अभी नेटवर्क यहाँ पे चल नहीं रहा है और हमने गलती किया, ऑफलाइन मैप डाउनलोड नहीं किया था, तो पूछ के जाना पड़ रहा है। और ये पुल है, आगे पूछ लें किसी से ये कौन सा गांव है मालूम नहीं। सही जा रहे हैं अभी, और जो रास्ता था वो मुझे थोड़ा बहुत याद आ गया कि हाँ इधर से ही पिछले बार गया था मैं। और ये डिफेंस लैंड में एंट्री कर रहे हैं हम, कि अभी हल्की हल्की ठंड होने लगी है। जंगल में एंट्री करते हैं तो ठंड हो जाता है, और जब ऐसे रोड पर रहते धूप में तो फिर गर्मी लगने लगता है। रास्ता यहाँ का बहुत अच्छा है और रोड बना हुआ है, तो आप कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कल ही न्यूज़ पे देखा था मैं कि उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर खोल दिया गया है ट्रैवलर के लिए। जो बाहर से उत्तराखंड या हिमाचल आना चाहते हैं उनके लिए बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पास के भी आ सकते हैं, तो वो एक ट्रैवलर के लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। और ये चक्राता का प्लान भी अचानक बन गया कि हम लोग जाने वाले थे पोंटा साहिब, लेकिन जो रेंट पे अभी स्कूटी लिया गया है तो वो स्कूटी का नंबर टैक्सी नंबर होता है, तो हम दूसरे स्टेट में टैक्सी नंबर नहीं चला सकते, उसके लिए अलग लाइसेंस होता है, तो इसलिए हम उत्तराखंड के अंदर ही रह गए। फिर देखूँगा मैं, 3-4 दिन बाद होगा तो पोंटा साहिब जाने का प्लान है, और कहीं देखेंगे आसपास उसके, कहीं अच्छा जगह हो तो जाएंगे। और रास्ता सब सेम ऐसा ही है, तो फिर वहीं पे मिलता हूँ सीधे आपसे, क्योंकि कैमरा का बैटरी ऑफ होने लगा है अभी। पहुँच गए हैं चक्राता हिल स्टेशन, और यहाँ पे अभी खाने के लिए रुके हैं, तो यहाँ से खाएंगे। और यहाँ से 18 किलोमीटर है टाइगर फॉल, फिर खा के जाएंगे यहाँ से। ये हमारे घर से 92 किलोमीटर है टाइगर फॉल तक। चक्राता भी मसूरी की तरह हिल स्टेशन है, लेकिन ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तो आया करो यहाँ पे। एक ही अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बड़ा सा। पिछले बार भी आया था तो यहीं पे खाया था। और दिखाता हूँ मैं इधर से व्यू, यहीं पे खाना खाया था, मेहता रेस्टोरेंट फूड। और अब यहाँ से जा रहे टाइगर फॉल, 18 किलोमीटर यहाँ से। फिर वहाँ के लिए निकल रहे हैं अभी बस। सो लायन कैंटीन, ये सब डिफेंस एरिया है। आर्मी की गाड़ी, भाई इनका स्वैग ही अलग होता है। ये बैग बांध के रखा था मैं, टैंक बैग की तरह यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। रबर से बांध दिया, बंजी कॉर्ड से। और ये जंगल में एंट्री किया तो अभी ठंड हो गई है। जैकेट पहना हूँ मैं तो उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन और लोगों के पास जैकेट नहीं है तो धूप जहाँ पे वहाँ पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे ऐसा जंगल जैसा है, छाँव है, वहाँ पे ठंड लगने लगती है। 18 किलोमीटर है यहाँ से चक्राता हिल स्टेशन मेन पॉइंट से। नीचे उतरना होता है आगे जाके। मैं थोड़ा पीछे निकला था तो पीछे रह गया, तो जल्दी से जाके उनको पहले पकड़ता हूँ, साथ में जाएंगे ना। टाइगर फॉल नीचे है, ऊपर डिफेंस एरिया है, नो एंट्री है, वहाँ पे नहीं जा सकते। निकाल, टाइगर फॉल किधर है? किधर है? उधर, किधर? रुक जा। टाइगर फॉल नीचे, तो अभी हम नीचे जाएंगे। वो आगे चली गई, इधर जाना है। पाँच किलोमीटर टाइगर फॉल और रह गया यहाँ से। थक गए थे तो रुक गए हम। बाइक यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ के नज़ारे देखिए। वाह, ये है पहाड़ और पहाड़ों का प्यार। बस इस गेट से 5 किलोमीटर नीचे उतरना है बस यहाँ से। पहुँच गए हैं टाइगर फॉल के पास और यहाँ पे बाइक पार्क कर दिया। और यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे पैदल जाना है। और यहाँ पे टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। और 1 किलोमीटर चल के जाना है तो अब वो लगा लो 15-20 मिनट लग जाएंगे। नीचे जाना है तो नीचे तो जल्दी चले जाएंगे, चढ़ते वक्त हम लोग को ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि ऊपर आना है। वेस्टर्नेटिव रास्ता है उधर, बाइक या फिर कार के लिए उधर से जाना है पड़ेगा। नीचे 2.5 किलोमीटर नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे चलना ही पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रिप किया मैंने। घर से यहाँ तक 92 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे। 4 घंटे लगे पहुँचने में और 10-15 मिनट अभी यहाँ से नीचे उतरने में लगे फॉल तक के लिए। और लंबे ट्रिप का भी प्लानिंग चल रहा है, उस दिन में देखो क्या होता है। अभी कुछ कन्फर्म बता नहीं सकता मैं। मिलता हूँ वाटरफॉल पे, वहाँ पे भी देखेंगे। अगर नहाने का हुआ, पानी अगर ज़्यादा ठंडा हो तो नहीं नहाएंगे, अगर नॉर्मल हुआ हम लोगों के लायक तो फिर नहाएंगे। हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे। और एक छोटा सा यहाँ पे ये फोटो खिंचाने के लिए अच्छा है, तो फोटो अभी यहाँ पे खिंचवाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना और फॉलो कर लेना। सेम है आईडी LIBRAKES। मैं फोटो भी ले लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइगर फॉल का नाम टाइगर फॉल कैसे पड़ा। 50 मीटर ऊपर से जो वाटरफॉल होता है, नीचे पानी गिरता है, तो उसका आवाज बाघ के दहाड़ की तरह होता है, इसलिए टाइगर फॉल इस वाटरफॉल का नाम आया। बाकी वहां पे जाके दिखा। ये सब रास्ता यहाँ से ऐसे उतरना नीचे, यहाँ से फिर ऐसे 1 किलोमीटर वहां से था जहाँ पे गाड़ी लगाया हमने। ये होटल है यहाँ पे रहने के लिए, अगर किसी को नाइट स्टे करना है तो वो भी कर सकता है यहाँ पे। ऊपर से नीचे तो उतर गए हम लोग, मम्मी थक गई है उतरने में, चढ़ने में क्या होगा। उतरने में थोड़ा लगता है क्या तो नीचे आगे के भाग गिर न जाए, ऐसा लग रहा है। बहुत नीचे है, पहाड़ों के बहुत नीचे है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा ट्रैक करके। हाँ। तो मम्मी थक जाएगी। थक तो जाएंगे। और अंधेरा होने से पहले हम लोग सोच रहे कि पहाड़ छोड़ दे हम लोग, मतलब वहाँ विकास नगर तक पहुँच जाए तो फिर ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे 1-2 घंटे रुकेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। हर ट्रैकिंग में कुत्ता मिल जाता है हमारे, वो ये सब आ रहे हैं पीछे। yes. 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए टाइगर फॉल, और मेरे सामने क्या नज़ारे हैं क्या बताऊं मैं। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है ये वाला टाइगर फॉल। वहां जाके नज़दीक से दिखाता हूं मैं। और गर्मी से हालत खराब, तो मैं नहाऊंगा भी, सब नहाएंगे यहाँ पे। अभी जाएंगे इसमें नहाने के लिए। ये रहा चेंजिंग रूम, यहाँ पे सब कपड़े बदलेंगे और फिर पानी के अंदर घुस जाएंगे। बहुत गर्मी हो गया है आते आते, एक तो 4 घंटे का ट्रैवल हो गया और ट्रैकिंग करके नीचे हैं तो थक गए, बहुत गर्मी लग रहा है। अभी नहाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, एकदम थकान सब मिट जाता है ठंडे पानी से नहाने के बाद। तो फिर सीधे पानी में मिलता हूँ मैं। इस बार मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगा, इस बार मैं एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड करूँगा जो कि वाटर प्रूफ है। कपड़े चेंज कर लिया और यहाँ से जा रहा हूँ बस अभी नहाने के लिए उसमें। तुम लोग भी जल्दी चेंज करो और चलो यार। Oh, my God. यहाँ से अब वापस जा रहे हैं और यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर चढ़ के। पार्किंग में जो बाइक लाया था वहाँ से बाइक लेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे चक्राता हिल स्टेशन और वहाँ से फिर विकास नगर देहरादून करके शाम तक पहुँचेंगे। फिर बाय बाय, ऊपर जाते हैं। चढ़ाई में बहुत ज़्यादा थक रहे हैं हम और गढ़वाल में बोलते हैं बहुत थक लग गई, तो मुझे भी थक लग रही है। और मम्मी बिट्टू पहले आगे चले गए थे क्योंकि मम्मी को चढ़ने में टाइम लगता, हम लोग थोड़ा फोटो खिंचवाने लगे थे। तो ये जगह कैसा लगा आपको? तो सांस चढ़ गई मेरी। तो ये जगह कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और आना अभी घूमने के लिए, बहुत मस्त जगह है। मिलता हूँ फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय।